तो गाइज कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास बोट की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग सा ANCTWS है, जिसका नाम है दोस्तों बोट एयरडॉप्स 161 ANC। इसे गाइज मैंने फ्लिपकार्ट से फर्स्ट सेल में परचेज कर लिया था 1499 में। पिछले 5 दिनों से दोस्तों इस TWS को मैं यूज भी कर रहा हूँ, और गाइज 1499 में काफी सही फीचर इसमें आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको 32 DB तक का ANC देखने को मिलेगा, और गाइज इसमें आपको 50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी के साथ गेमिंग मोड भी मिल रहा है, और गाइस 50 आवर का प्ले टाइम भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग फीचर इसमें आपको मिल जाएंगे। पहले दोस्तों बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, फिर सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और गाइस हैवी टेस्टिंग के साथ रिव्यू करने वाला हूं, और गाइस अपना 5 दिनों का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वाले वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। गाइस पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने एक तरफ आपको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, और गाइस यहां पे इन्होंने कुछ की हाइलाइट मेंशन कर रखे हैं, जैसे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन 32 dB, टोटल प्ले टाइम 50 आवर, और दोस्तों बीस्ट मोड 50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी के साथ इसमें आपको गेमिंग मोड भी मिलता है। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहां पे भी इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, जैसे क्वाड माइक विद ENX टेक्नोलॉजी, डुअल इक्वलाइजर, IPW टेक्नोलॉजी, IPX5 की वाटर रेसिस्टेंस के साथ मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.3 का भी सपोर्ट मिल जाता है, और दोस्तों इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करें तो दोस्तों वहां पे आपको 150 मिनट का प्ले टाइम मिलने वाला है। बॉक्स के अंदर आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा, एक आपको 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी कार्ड मिल जाता है। इस वाले QR कोड को स्कैन करके आप अपनी वारंटी क्लेम कर पाएंगे। एक आपको FQ कार्ड देखने को मिलेगा, कुछ कैटलॉग वगैरह मिल जाएंगे, और दोस्तों स्टिकर वगैरह भी मिल जाते हैं बोर्ड की तरफ से। 4 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं, जो आप अपने कानों के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। एक आपको टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे बढ़िया लगे है। अब बात कर लेते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसके बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इसका डिजाइन दोस्तों मुझे काफी परफेक्ट लगा है। कुछ ओवल शेप में इसका केस देखने को मिलता है, और दोस्तों केस छोटा भी है, कैरी करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसे सिंगल हैंडेडली पकड़ रहे हो तो दोस्तों आपके यहां से दिखाई भी नहीं देता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें जो प्लास्टिक इन्होंने यूज किया वो काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है, और दोस्तों फुली मैट फिनिश के साथ ये केस आपको मिल जाता है। यहां पे दोस्तों इन्होंने ग्लॉसी टाइप का स्ट्रिप लगाया है, उसकी वजह से लुक भी इस केस का काफी तगड़ा आ रहा है। यहां पे आपको मिल जाता है बोर्ड की ब्रांडिंग, एक लाइट इंडिकेटर लगाया, और दोस्तों इस साइड आपको मिल जाएगा टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग पोर्ट। बैक साइड में दोस्तों हमारा केस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके हिंज की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों हिंज की क्वालिटी भी मुझे काफी ठीक ठाक लगे है। ओपन क्लोजिंग काफी अच्छे से ये केस हो रहा है, और दोस्तों इसका हिंज बिल्कुल भी लूज नहीं है। अंदर की साइड इन्होंने जो प्लास्टिक यूज किया वो भी मुझे काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी परफेक्ट लगी है। फुली ग्लॉसी टाइप के बर्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये वाला पार्ट इन्होंने मैट फिनिश के साथ दिया है। दोनों में बोर्ड की ब्रांडिंग मिलेगी, और दोस्तों लाइट इंडिकेटर भी लगाए हैं। और गाइज ये बर्ड्स मुझे लाइट वेट काफी ज्यादा लगे हैं। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो दोस्तों इंस्टेंटली आपके डिवाइस से पेयर हो जाता है, यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और गाइस साथ ही साथ आपको हाई क्वालिटी ऑडियो AAC और दोस्तों SBC कोडेक का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। ओपन टू पेयर टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है। जैसे ही आप अपने केस को क्लोज करोगे आपकी डिवाइस ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और दोस्तों जैसे ही आप ओपन करोगे फिर से आपके डिवाइस ये कनेक्ट हो जाता है। इसके फिटिंग और कंफर्ट की बात करूं तो दोस्तों ये TWS मुझे कंफर्टेबल काफी ज्यादा लगे हैं। उसकी वजह है इसका वेट दोस्तों बहुत कम है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। और गाइस फिक्स भी काफी अच्छे से आपके ईयर में हो जाएंगे। अगर आप इसे रनिंग के टाइम, वर्कआउट के टाइम या दोस्तों ट्रैवलिंग के टाइम यूज कर रहे हो तो दोस्तों आपके कानों से बिल्कुल भी गिरने वाला ये TWS नहीं है। और गाइस इसमें आपको 50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी के साथ डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिल रहा है। तो दोस्तों छोटा सा गेमिंग टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। फिर गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। गेमिंग मोड ऑन करने के लिए आपको लेफ्ट वाले बटन पे 3 बार टैप करना पड़ेगा, आपका गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। फिर से दोस्तों आप म्यूजिक मोड पे शिफ्ट होना चाह रहे हो तो दोस्तों फिर से आपको लेफ्ट बटन पे 3 बार टैप करना पड़ेगा, आप म्यूजिक मोड पे शिफ्ट हो जाएंगे। Yeah.
गेमिंग टेस्ट देख के आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। गाइज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दोस्तों इससे मैंने BGMI के बहुत सारे गेम्स प्ले करे थे, मुझे गाइज ऐसा लगता है 40-50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी के साथ इसमें आपको गेमिंग मोड मिल रहा है। तो दोस्तों कैजुअली गेमिंग करते हैं उसके लिए काफी तगड़ा ये TWS रहने वाला है, आप परचेज कर सकते हो। लेकिन गाइज प्रोफेशनली गेमिंग करते हैं उसके लिए मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको माइनर सी लेटेंसी मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इसके ANC और दोस्तों ट्रांसपेरेंसी मोड के बारे में। गाइज इसे मैंने यूज किया है 5-6 दिनों तक, क्राउड एरिया में आउटडोर में भी यूज कर रहा था। गाइज इसका ANC मुझे काफी ठीक ठाक लगा है, बैकग्राउंड की नॉइस लगभग ये 80% तक कैंसिल कर रहा है। जैसे आपके पास खड़े होकर कोई बातें कर रहा है वो आपको सुनाई देगा, लेकिन दोस्तों दूर खड़े होकर कोई बातें कर रहा है वो आपको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा, और दोस्तों दूर से कोई क्राउड आ रहा है वो भी आपको सुनाई नहीं देता है। तो दोस्तों ANC इसका मुझे काफी परफेक्ट लगा है इस प्राइस सेगमेंट में। और गाइज ट्रांसपेरेंसी मोड भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे आप वॉकिंग एरिया में जा रहे हो या दोस्तों रोड वगैरह पे जा रहे हो तो दोस्तों बैकग्राउंड की नॉइस फुली आपको सुनाई देती है। तो दोस्तों जैसे बाइक भी चला रहे हो वहां पे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, आपको पक्का पता चल जाएगा कि पीछे से क्या आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो दोस्तों केस की बैटरी आपको 500 mAh की देखने को मिलती है, जो आपको अप्रॉक्स 50 आवर का प्ले टाइम दे देती है अगर आप इसे ANC ऑफ करके सुन रहे हो तो। अगर आप ANC ऑन करके सुन रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको 44 आवर का प्ले टाइम मिल जाएगा। बर्ड्स की बैटरी की बात करूं तो दोस्तों बर्ड्स की बैटरी आपको 35 mAh की देखने को मिलती है अगर आप ANC ऑफ करके इससे म्यूजिक सुन रहे हो तो। दोस्तों वहां पे आपको 7 आवर का प्ले टाइम मिलने वाला है। अगर आप ANC ऑन करके सुन रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको 5 आवर का प्ले टाइम मिल जाएगा। और गाइज इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, अगर आपसे 10 मिनट चार्ज कर रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको मिलने वाला 150 मिनट का प्ले टाइम। 1.5 घंटे में आपका केस फुल चार्ज हो जाएगा और दोस्तों 35 मिनट में आपके बर्ड्स फुल चार्ज हो जाएंगे। इसकी कॉलिंग क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको क्वाड माइक विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन भी मिल रहा है। गाइज इसे मैंने आउटडोर और इनडोर में कॉलिंग के लिए यूज किया है, इसके माइक्रोफोन स्पीकर काफी अच्छे से वर्क करते हैं, कॉलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और गाइस इसका एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मोड भी काफी हद तक वर्क कर रहा है, बैकग्राउंड की नॉइस लगभग ये 80% तक कैंसिल कर देता है। गाइस इससे मैंने आउटडोर में कॉलिंग किया था बाइक चलाते टाइम, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वो मैं आपको सुना देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन स्पीकर और दोस्तों एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मोड किस तरीके से वर्क कर रहा है। हेलो हेलो, हां क्या कर रहे हो? बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं बताओ। यार मेरे पास एक 3 WS है, ठीक है, बोर्ड का, उसी से कॉल कर रहा हूँ। बताओ इसके माइक्रोफोन आपकी आवाज समझ आ रही है मुझे? और इसे एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन मोड भी अच्छी है, क्योंकि अभी मैं रोड पे हूँ बाइक पे आ रहा हूँ। ये कह सकती हूँ 40% आ रही है, बाकी 60% कैंसिल कर रहा है। हाँ, और थोड़ी सी आपका डिस्टॉर्शन है, आपकी थोड़ी सी आवाज ना कट भी रही है, थोड़ी थोड़ी नेटवर्क इशू हो सकता है शायद, बाकी ठीक है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये बर्ड्स आपको IPX5 की वाटर रेसिस्टेंस के साथ मिल जाते हैं। तो गाइज पानी की थोड़ी बहुत इस पे बूंदें गिर जाएंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह हो रही तब भी आप इसे यूज कर पाओगे, वहां पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बात कर लेते हैं इसके साउंड की क्वालिटी के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था ये TWS आपको डुअल इक्वलाइजर मोड के साथ मिलते हैं, बैलेंस मोड और दोस्तों सिग्नेचर साउंड दोनों तरीके से। दोस्तों मैंने बहुत सारे गाने सुने हैं, मुझे गाइज इसकी आवाज काफी बढ़िया लगी है, वोकल्स दोस्तों काफी ज्यादा क्लियर है, जो सिंगर की आवाज होती है वो काफी क्लियरली आपको सुनाई देने वाली है। और गाइज बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं वो भी काफी क्लियरली आपको सुनाई देने वाले हैं। और दोस्तों एक बात मुझे काफी अच्छी लगी है इस TWS की, इसकी आवाज दोस्तों काफी ज्यादा शार्प है, अगर आप इसे फुल वॉल्यूम पे सुन रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह सुनाई नहीं देता है। इसमें आपको 10 mm के स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बेस भी मुझे काफी बढ़िया लगा, एकदम पंची टाइप का बेस मिल जाता है। तो दोस्तों बेस म्यूजिक सुनने के लिए इसे आप परचेज कर रहे हो तो दोस्तों कर सकते हो। गेमिंग मोड ऑन करके अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो या कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी लैग वगैरह सुनाई नहीं देगा और दोस्तों आपको थिएटर वाला फील आने वाला है। इस प्राइस सेगमेंट में ये TWS दोस्तों मुझे वैल्यू ऑफ मनी लगे हैं। अगर आपका बजट 1500 रुपए और दोस्तों ANC TWS अगर आप कोई लेना चाह रहे हो तो दोस्तों इसे आप जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यही था
का बोट एयरडॉप्स 161 ANC TWS का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।